हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम बात करेंगे मेकअप, फैशन और स्किन केयर के बारे में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान सा फेस पैक, जिसे बनाने के लिए हमें बस दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उसमें मेन इंग्रेडिएंट है मेथी, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। मेथी को हमारे स्किन केयर में ऐड करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि इससे हमारे स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर आपके फेस पे रेड स्पॉट्स है पिंपल्स के वजह से, या अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, डल है या बहुत रफ है, या आपको एजिंग के बहुत सारे इफेक्ट्स लाइक दिख रहे हैं आपके चेहरे पे, जैसे फाइन लाइंस है, आपकी स्किन बहुत सैग हो गई है, जैसे नीचे की तरफ बहुत आ रही है, या यू नो रिंकल्स आ गए हैं चेहरे पे, जैसे झुर्रियां आ गई है चेहरे पे, तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा मेथी। अभी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये कैसे बनाना है। ये बनाना बहुत आसान है। ये मेथी जैसा है वैसे ही हमको मिक्सर में डालना है। इसे ना ही हमको भिगा के रखना है, ना ही गर्म करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमें मार्केट में पैकेट में मिलता है, जस्ट पैकेट को फोड़ना है और डायरेक्टली मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। और गाइस, ये रहा मेरा मेथी का पाउडर, तो एकदम फाइन बनेगा मिक्सर में। अभी इस पाउडर में हमें क्या करना है, एक स्पून कर्ड मिक्स करना है, दैट इज एक स्पून दही मिक्स करना है। तो ये है मेरे पास दही। आप घर में बना हुआ दही यूज़ कर सकते हैं या स्टोर बॉट दही यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। और एक बात मुझे बतानी है कि अगर इन केस आपके फेस को दही सूट नहीं करता है, उस केस में आपको मेथी को रात भर भिगा के रखना है और सुबह फिर पानी को अलग करना है और मेथी को सिर्फ मिक्सर में डाल के पेस्ट बना के डायरेक्टली चेहरे पे लगा सकते हो आप। बट अगर आपको कर्ड सूट करता है तो आप फिर ऐसा पैक बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ। ये है मेरा मेथी का पाउडर और ये है कर्ड। मैंने एक स्पून मेथी का पाउडर लिया है और उसमें मैं अभी वन स्पून कर्ड ऐड करूंगी। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और गाइस, ये रहा मेरा फेस पैक, अब हम इसे अप्लाई करेंगे। सो गाइस, मैंने बस अपना फेस वॉश कर लिया है और अभी हम लगाएंगे ये फेस पैक। तो मैं मोस्टली फिंगर्स मतलब हाथ से ही लगाती हूँ अपना फेस पैक। अगर आपको हाथ से नहीं लगाना है तो आप कोई भी फाउंडेशन ब्रश या कुछ भी यूज़ कर सकते हो फेस पैक लगाने के लिए। तो बस अच्छे से अपने फेस पे लगा लीजिए। आपको एक ही यूज में फर्क दिखेगा गाइस, आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोई दिखेगी इसे यूज करने के बाद। अच्छे से नेक पे भी लगाना, क्योंकि एजिंग का इफेक्ट सबसे ज्यादा सबसे पहले अपने नेक पे दिखता है। तो कोई भी फेस पैक हो, अपने नेक पे जरूर लगाना है। पूरे फेस पे फेस पैक लगा लिया है, फेस एंड नेक पे। अभी हमें 5 से 7 मिनट रुकना है, जब तक ये सेमी ड्राई नहीं होता है। सेमी ड्राई मतलब जैसे आपको ऐसे लगता है कि ये अभी सूखने लगा है, तभी हमें इसे धो देना है। बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है, किसी भी पैक को बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है, क्योंकि अगर बहुत सूखता है पैक तो उसे निकालने के लिए हमें बहुत रगड़ना पड़ता है और उस केस में क्या होता है, अपने फेस पे रिंकल्स फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई पैक सेमी ड्राई होता है, मतलब हल्का सा सूखने लगता है, तभी उसे धो देना है। अभी लगभग 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट, और देख सकते हैं कि ये एकदम अभी सेमी ड्राई हो गया है, मतलब बहुत भी सूखा नहीं है, जस्ट अभी सूखना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं इसे धो दूंगी। और गाइज, ये रहा मेरा फेस वॉश करने के बाद। मुझे नहीं पता कैमरा कितना कैच कर रहा है, बट मेरे फेस पे बहुत अच्छा ग्लो है और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, एकदम बेबी स्किन के जैसे। तो वॉश करने के बाद जो मैंने बताया है वो टोनर लगा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेक कीजिए। और प्लीज़ लाइक करना ये वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो। मैं एवरी वीक ट्यूसडे और सैटरडे को न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करना और बेल बटन भी क्लिक करना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।